हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप मस्त होंगे और घर पर स्वस्थ होंगे। मैं आपको तहे दिल से अपनी संस्कृति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर इनवाइट करता हूं और वेलकम करता हूं। तो जैसे कि आप जान रहे हो कि कोविड-19 के चलते आप सारे स्टूडेंट्स को 9th स्टैंडर्ड के लिए प्रमोट कर दिया गया, कोई एग्जाम के बिना ही आपको प्रमोट कर दिया गया, तो आप काफी खुश होंगे। काफी सारे सीबीएसई के स्टूडेंट्स की एग्जाम तो वैसे हो गए होगी, लेकिन रिजल्ट पेंडिंग करके सीधा प्रमोट कर दिया होगा। लेकिन फिर भी अब हम लोग 9th स्टैंडर्ड में आ गए हैं और 9th स्टैंडर्ड जो है वो एक नए सेशन की शुरुआत है। जैसे आप 7th-8th में पढ़े, वैसे अब 9th में नहीं पढ़ने वाले हो बच्चों, यहां पर कुछ अलग थलग मेथड से हमें पढ़ना होगा। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि अपने एकेडमी के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। स्टूडेंट्स देखिए, जो जीएसईबी की स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास जो टीम है और सीबीएसई के लिए जो टीम है, वो दोनों टीम अलग अलग है। काफी सारे वैसे सेम ही है, सिर्फ एक ही टीचर अलग अलग है। याद रखना, हमारे क्लासेस पर हर एक सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग है, यानी कि आप लोग अब स्पेशलाइज टीचर, एक्सपर्ट टीचर के पास पढ़ने वाले हो। और यहां पर जितने भी टीचर्स है वो सारे मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले हैं, मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस हर एक टीचर के पास है, और सारे टीचर प्योरली इंग्लिश मीडियम के हैं। लाइक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे सीबीएसई जीएसबी में राज सर, साइंस मैं खुद पढ़ाऊंगा, मेरा नाम है मंथन शाह, ठीक है। इंग्लिश के लिए सीबीएसई जीएसबी में अनिशा मैडम पढ़ाएंगे, एसएस जीएसबी में अनिशा मैडम पढ़ाएंगे और सीबीएसई में छाया मैम पढ़ाएंगे। वैसे जीएसबी वालों को एक और सब्जेक्ट आता है, वो गुजराती, वो सीबीएसई वालों को नहीं आता। तो गुजराती जो सब्जेक्ट है बच्चों, वो विपिन सर पढ़ाएंगे आपको। याद रखना, अपने एकेडमी में हर वीक में एक टेस्ट होता है एक सब्जेक्ट का। फिर यानी कि जैसे ये संडे को, मतलब कि हर संडे को टेस्ट होगा, ये आप ये याद रखिएगा, हर संडे को एक टेस्ट होगा। यानी कि अगर ये संडे को मैथ्स का टेस्ट हुआ है तो अगले संडे को साइंस का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंग्लिश का होगा, उसके बाद एसएस का होगा, ठीक है। उसके बाद हर 2 महीने कंप्लीट होने पर आपका एक मेगा टेस्ट होगा जो 50 मार्क का होगा। उसमें एक वीक के अंदर सारे सब्जेक्ट के एक एक पेपर 50 मार्क के, जैसे एग्जामिनेशन होती है ना बच्चों, उसी तरह से एक मेगा टेस्ट होगा अपने एकेडमी में। आपको मैथ्स एंड साइंस में 2 महीनों मेन सब्जेक्ट में आपको वर्कशीट्स मिलेंगे, ईयरली 2 PTM होंगे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी अपने एकेडमी में होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको क्वेरी है, आपको डाउट क्लियर करना है, तो हमारे सारे टीचर्स 3 o'clock 3:30 PM से अवेलेबल होते हैं, वहां से लेकर 8:15 तक क्लासेस पर एकेडमी में होते हैं। तो आप उनसे अपने डाउट्स के लिए लेक्चर के पहले आ सकते हो, लेक्चर के बाद भी रुक सकते हो, आप टीचर से पहले प्रायर बात करके टाइम उनसे लेकर फिर आप आ सकते हो। लेकिन जैसे कि आप जान रहे हो कि पूरी दुनिया में क्रिटिकल एनवायरनमेंट चल रहा है, वो है कोविड-19 की वजह से, ठीक है। और इस कोविड-19 न फैले उसके लिए हम सब लोग को घर में ही रहना है, और हम जब तक हमको गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है, यानी कि गवर्नमेंट की गाइडेंस नहीं आती है, तब तक तो हमें घर में ही रहना है, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा, स्टे होम एंड स्टे सेफ, घर पे ही रहिएगा, कहीं बाहर जाइएगा मत, क्योंकि आपको घर पर रहकर चिंता भी क्या है। हम YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी सारी स्टडीज को प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ में हम वीडियो लेक्चर्स भी करेंगे, जिसके अंदर हम लोग आपको Zoom प्लेटफॉर्म पर, Microsoft के प्लेटफॉर्म पर आपको कनेक्ट करेंगे और आपको स्टडी की जाएगी, यानी कि आपकी स्टडी कहीं पर भी रुकने वाली नहीं है। और अब हम लोग हमारी स्टडी को शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं आपको साइंस के बारे में, तो आप पहले मुझे ये बताइए, आप साइंस को समझते क्या हो? व्हाट इज अ साइंस फॉर यू, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि अभी तक आप जो कुछ भी पढ़े हो मेरे प्यारे बच्चों, आपने जो कुछ भी पढ़ा है, ठीक है बच्चों, उसमें तो आपने मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड 8 में क्रॉप के बारे में, फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, फिर ऐसे कुछ क्रॉप रोटेशन के बारे में, ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, ठीक है। लेकिन 9th एंड 10th का जो साइंस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यही साइंस में आप लोग हार्ट के बारे में पढ़ोगे, आप लोग ब्रेन के बारे में पढ़ोगे, आप लोग एसिडिटी के बारे में पढ़ोगे, आप लोग एनवायरमेंट के बारे में पढ़ोगे, आप लोग जो ये चश्मे पहनते हैं जो लोग भी, उसके बारे में पढ़ोगे, यानी कि लेंस के बारे में पढ़ोगे,
कार के अंदर जो ग्लास लगते हैं वो कैसे होते हैं वो उसके बारे में पढ़ोगे। यानी कि हमारी आगे की जो स्टडी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और एक मैजिकल सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे मैजिकल है, चलिए हम समझते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब अपनी मम्मी को बोलते हो कि मम्मी आज शाम को मुझे डोसा खाने की मन हुआ है, तो मम्मी क्या करेगी, वो डो बनाती है कि नहीं? तो वो डो बनाने के 3-4 घंटे बाद उसको रखती है, 3-4 घंटे तक उसको रखती है और फिर वो डोसा बनता है। सही है गलत, वो क्या होता है वहां पर, ये क्वेश्चन आपको होता होगा। आपने देखा होगा कि जो ब्रेड है, पाव भाजी का जो पाव है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। सही है नहीं? तो ये कैसे होता है? फिर हम लोग सैंडविच ढोकला खाते हैं तो वो भी सॉफ्ट होता है। ये सबका रीजन क्या है? तो इसका रीजन, अब मुझे पता है आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, बट यही साइंस है। उसका रीजन ये है कि उसको हम कुछ चीजों को ऐड करने के बाद फर्मेंट करने रखते हैं, वो फर्मेंट होता है। ठीक है बच्चों, उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। और इसी तरह से हम लोग जो कुछ भी खाना खाते हैं उस खाने को अपना स्टमक जो है वो एब्जॉर्ब करता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोग बात करेंगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जहां पर वो आता है। लाइक आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी दूध में से दही में कन्वर्ट करती है कि नहीं, तो क्या करती है, वो दूध के अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच जितना दही मिला देगी। थोड़े घंटों बाद आप देखोगे कि वो जो बर्तन है जिसके अंदर दूध था, मिल्क था, अब वो कन्वर्ट हो चुका है कर्ड में। ये क्या प्रोसेस है? ये केमिस्ट्री की प्रोसेस है बच्चों, ये केमिस्ट्री की प्रोसेस है। अब सोचिए क्या क्या होता है। इतना भी आप देखिए कि अपना जो पूरा साइकिल है सोलार सिस्टम का, करेक्ट, जो चैप्टर आपके 8 स्टैंडर्ड में आ चुका है, तो एग्जेक्ट कुछ आवर्स के बीच में ही, एग्जेक्ट कुछ आवर्स का इंटरवल पे ही सनसेट एंड सनराइज होता है। ये भी फिक्स होता है। दिसंबर में हमेशा रात लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। कैसे होता है ये सब, क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं आपको, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सब कुछ पॉसिबल है और ये साइंस हमें बताएगा कि ये कैसे पॉसिबल है। आपने बच्चों ये भी देखा होगा कभी कभार शाम को जब आंधी तूफान होती है, आंधी तूफान की वजह से कभी कभार आपने देखा होगा कि आपका जो स्काई है वो थोड़ा सा ऑरेंजिश या रेडिश कलर का दिखता है। अब ये कैसे पॉसिबल है, साइंस बताएगा हमें आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों साइंस, और हर एक चीज के पीछे साइंस तो होता ही है, और साइंस हमारे जीवन का सबसे एसेंशियल सब्जेक्ट बन जाता है यहां पर। ठीक है बच्चों, चलिए मैं एक स्टोरी बताता हूं आपको। क्या आपने कभी भी एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा, सही कि नहीं? एल्बर्ट आइंस्टाइन वही व्यक्ति थे जिन्होंने यूरेनियम को ढूंढा। यूरेनियम पता है बच्चों क्या होता है? यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें से एटम बॉम्ब बनता है बच्चों, और यही एटम बॉम्ब ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो जापान के 2 सिटीज थे, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिए थे। ये इतने खतरनाक होते हैं कि जो व्यक्ति मर जाते हैं, चलो वो तो गए, लेकिन जो जी भी जाते हैं, ये बॉम्ब जहां पर फूटा है और वहां के कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ अगर जी भी गए तो उनके आने वाले जनरेशन्स पैरालाइज्ड हो सकते हैं, उनके अंदर डिफॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की उंगलियां नहीं है, यानी कि ऐसे डिफॉर्मेशंस वाले बच्चे भी आते हैं, मंद बुद्धि के भी हो सकते हैं। यानी कि बॉम्ब फोड़ने के कई सालों तक इसकी इफेक्ट रहती है और आगे आने वाले जनरेशन्स तक रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, उनके आने वाले जनरेशन्स तक ये इफेक्ट रहती है, और इसीलिए आप सर्च कीजिएगा, हिरोशिमा नागासाकी में अभी भी कुछ लोग डिफॉर्म्ड पैदा होते हैं। ये एक रियल बिटर ट्रूथ है बच्चों। तो ये यूरेनियम को ढूंढने वाले साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एक बार वो अपने लेबोरेटरी में कुछ टेस्टिंग कर रहे थे और काफी कुछ प्रिकॉशंस लगाने के बाद वो यूरेनियम के बारे में टेस्टिंग कर रहे थे। उन्होंने ये देखा, एक छोटा सा यूरेनियम के अंदर इतनी ताकत है कि वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर सकता है। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं ये दुनिया को इसके बारे में बताऊं। लेकिन उनका पर्पस एटम बम बनाना कतई नहीं था,
उनका पर्पस यही था कि वो इससे इसके जो पॉजिटिव यूज है उसमें अप्लाई कर पाए। लाइक आपने न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में सुना होगा ना, जिससे बिजली को प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो यूरेनियम की बदौलत हो सकता है। और आपको पता होगा, आई डोंट नो, बट 500 ग्राम के यूरेनियम के टुकड़े में इतनी ताकत हो सकती है कि पूरे अहमदाबाद को वो एक साल तक लाइट दे पाए उतनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे। यस बच्चों, स्ट्रेंज फील हो रहा है कि नहीं? सिर्फ 500 ग्राम यूरेनियम में इतनी ताकत है कि पूरे अहमदाबाद के अंदर वो लाइट अप कर सकता है एक साल तक सिर्फ इतने से टुकड़े में। तो ये आइंस्टाइन ने बताया था। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने ये तो देखा होगा कि आपके पापा जब कार को ड्राइव करते हैं तो वो इस तरह से बैठते हैं कि नहीं, ऐसे आगे जाना होता है तो इस तरह से बैठते हैं। ट्रेन में जो लोकोमोटिव पायलट होता है यानी कि वो इंजन चलाने वाले, वो भी यूं बैठते हैं कि नहीं? सही या गलत? बस में, प्लेन में, ये सब में इस तरह से बैठते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है रॉकेट में कैसे बैठते हैं? तो मैं बता दूं, चलिए, रॉकेट जो होता है बच्चों, उसमें रॉकेट कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है, स्पेस की तरफ, लेकिन वो कभी यूं सीधा नहीं जाएगा। वो धीरे धीरे करते करते यूं जाएगा और फिर गोल घूमते 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 जाएगा। यानी कि ये अपना मान लो अर्थ है, तो पहले रॉकेट यूं है, तो पहले यूं जाएगा, फिर धीरे 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 करते 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 फिर यूं करते होते होते स्पाइरल इक्लिप्स के फॉर्म में जाते जाते फिर वो स्पेस में एंटर करेगा बच्चों। लेकिन जब रॉकेट यूं जाता है तब वो व्यक्ति अंदर जो एस्ट्रोनॉट से मेरे प्यारे बच्चों, कभी यूं नहीं बैठेंगे जैसे कार में बैठते हैं, जैसे बस में बैठते हैं, या फिर वो कभी यूं नहीं बैठेंगे, वो लेट जाते हैं। यस बच्चों, ये स्ट्रेंज बात है बट ट्रूथ बात है। वो लेट जाएंगे, आप सोते कैसे हो, लेटते ना उसमें यूं लेट जाते हैं ना, बस वैसे लेट जाते हैं। ऐसा क्यों? उसके पीछे एक साइंस है। अगर वो नहीं लेटेंगे और सिर्फ यूं बैठे हुए जाएंगे बच्चों, तो यहां पर उनके पैर होंगे कि नहीं, या नीचे? तो ये जो रॉकेट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, और तो ग्रेविटी क्या करेगा, उसको पुल करेगा। और अगर ऐसा वो ऊपर जाएंगे, ऐसे बैठ कर जाएंगे, तो उनके पूरे बॉडी का ब्लड जो है वो नीचे आ जाएगा और उनकी जो फीट है, उनके जो पैर है, फीट, वो फट कर खून बाहर आ जाएगा और मर सकते हैं वो लोग। ऐसा ना हो उसके लिए वो लोग लेट जाते हैं, और ऐसा करने की वजह से उनके अंदर उनकी बॉडी जो है उसके ऊपर ग्रेविटी जो लग रही है वो यूनिफॉर्म और डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसलिए वो मरेंगे नहीं, जिएंगे। स्ट्रेंज है क्या? नहीं, ये साइंस फैक्ट है। एक और साइंस फैक्ट मैं आपको बताता हूं, चलिए। आपने देखा होगा मेट्रो ट्रेन के ब्रिजेस देखे होंगे, कोई रिवर के ऊपर के ब्रिज देखे होंगे, कोई ब्रिज आपने कैनाल ऊपर वाले देखे होंगे, कोई ब्रिज आपने सी वहां पर देखे होंगे। तो ये जितने भी, या फिर अपने रोड हाईवे जो रहते हैं, वो हाईवे के ऊपर जो ब्रिजेस रहते हैं, वो ब्रिज के जो पिलर होते हैं बच्चों, उसका शेप क्या होगा? अपने आपने कभी ये सब बातों के बारे में सोचा है? नहीं ना? देखिए एक और स्ट्रेंज बात है, उन ब्रिजेस का शेप आई शेप का होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आई शेप का होगा, ठीक है? और आई शेप का क्यों? अब इतना सा जो पार्ट होता है बच्चों, वो कभी कभार जमीन के अंदर उसका बेस बनाकर बरी किया जाता है, कभी कभार इतना पार्ट मतलब यहां से ऊपर रहता है और बाकी इतना पार्ट नीचे रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा करने से जो भी फोर्स होगा वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए उनका शेप मेरे प्यारे बच्चों आई होता है। और जब भी ये पिलर हो, मान लो ये जो पिलर है उस ब्रिज का, उनका जो स्लैब होगा, वो स्लैब, एक स्लैब इधर और एक स्लैब इधर, यूं नहीं होगा, वो हमेशा पिलर के ऊपर ही दो स्लैब कनेक्ट होंगे। यानी कि एक स्लैब अगर यूं है मेरे प्यारे बच्चों, तो दूसरा स्लैब यूं आएगा। क्या ये पता है आपको? इसलिए होता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे और स्लैब को अगर मान लो यूं बनाया है, फिर यहां बीच में से कहीं से कनेक्ट किया है, तो होगा ये कि ये स्लैब टूट जाएगा, ये स्लैब टूट जाएगा, इसलिए वो टूटे नहीं और उसको स्ट्रेंथ मिले,
उसके लिए ब्रिजेस जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको इस तरह से अरेंज किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, और भी ऐसे अपने बॉडी के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपने कभी सुना है जब आप बहुत ज़्यादा तीखी पानी पूरी खा लेते हो? हाँ, पानी तो आपके मुंह में आया ही होगा, लेकिन मस्त मसाला वसाला एक्स्ट्रा डालकर आप खाते हो, एक दो तीन, और साथ में एक और भी वो गोभी वाला जो वो रहता है मिक्स, टमाटर वगैरह डाल के वो भी, और पानी पूरी के ऊपर डाल डाल के खाते हो आप। क्या कभी आपने देखा है, बहुत ज्यादा मैं भी नोटिस किया है कि किसी ने आपके घर पे बहुत ज्यादा तीखा खा लिया तो उनको एसिडिटी हो जाती है? तब क्या किया जाता है? तो घरेलू उपचार किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? उनको ठंडा दूध पिलाया जाएगा या फिर सोडा पिलाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा करने से क्या होता होगा? उसके पीछे साइंस है। आपने देखा होगा कभी कभार कोई एंट है, लाल कलर की चींटी, या फिर कोई हनी भी है, वो जब काटती है, वो जब स्टिंग करती है तो कपड़े धोने का पाउडर लगाया जाता है, खाने का सोडा आता है वो लगाया जाता है, साबुन घिसा जाता है। क्यों? ये सबके पीछे साइंस है बच्चों, जो हम लोग हमारे आगे आने वाले एकेडमिक ईयर में पढ़ने वाले हैं। आपने ये भी देखा होगा बच्चों कि जो फुटबॉल खेलते हैं उनके शूज का स्ट्रक्चर अलग होगा, क्रिकेट वालों के लिए अलग होगा, फिर जो एथलीट होते हैं जो रनिंग रेस करते हैं उनके शूज का शेप अलग होगा, उनकी जो ग्रिप होती है वो अलग होती है। उसके पीछे साइंस है। ये सारी चीजें हम लोग हमारे आने वाले सेशन में पढ़ने वाले हैं बच्चों। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग तो लगा ही होगा, वैसे साइंस तो काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। लेकिन याद रखना, साइंस जो पूरा है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा जो साइंस है उसके तीन मेन पार्ट्स रहते हैं। साइंस जो पूरा है उसके तीन पार्ट्स रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन से हैं? तो वो है बायोलॉजी, फिर है फिजिक्स और है केमिस्ट्री। ये तीन पार्ट्स अब आप लोग पढ़ने वाले हो पूरे साइंस में, और आपके 9th का जो साइंस है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों, जो हम लोग हम अब हमारे आने वाले लेक्चर्स में शुरू करेंगे। बच्चों हम लोग ने यहाँ पर आपके लिए स्पेशली ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना शुरू किया है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर में काफी मजा आया होगा। आप मुझे रिप्लाई मेरे पर्सनल नंबर पे जरूर कीजिएगा, ठीक है? आप अपनी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट में कुछ फीडबैक लिखिएगा, और मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।